भारतीय रेल अब तेज गति से प्रगति कर रहा है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन गंदगी से मुक्त हो रहा है। पटरियों का तेजी से दोहरीकरण हो रहा है, तो वहीं पहले के मुकाबले तय समय सीमा के मुताबिक ट्रेनों का आगमन प्रस्थान हो रहा है। ट्रेन अब देश के हर कोने कोने तक पहुंच रहा है। ये तस्वीर भारतीय रेल की है। ये मोदी की ट्रेन है, जिसमें यात्रियों के मनोरंजन से लेकर सफर को खुशनुमा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यही नहीं, रेल यात्रियों के सफर को खुशनुमा बनाने के साथ साथ सफर में लगने वाले समय को भी कम किया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार पिछले 5 साल में कई हाई स्पीड ट्रेन पटरियों पर दौड़ाई और कई ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली है। इनमें से एक ट्रेन माता वैष्णो देवी के भक्तों को तोहफे के रूप में मिलने वाली है, जो दिल्ली से कटरा तक जाएगी। देश की सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन अब वंदे भारत नई दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी। जल्द ही इसका ट्रायल रन भी शुरू होने जा रहा है। वंदे भारत के जरिए नई दिल्ली से कटरा तक का रेल सफर सिमटकर अब सिर्फ 8 घंटों का ही होने जा रहा है। नई दिल्ली से कटरा स्टेशन तक के वंदे भारत के रेल सफर में 3 अहम स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। वंदे भारत नई दिल्ली से चलने के बाद अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी होते हुए कटरा स्टेशन पहुंचेगी। रेल मंत्रालय के प्लान के मुताबिक वंदे भारत सुबह 6 बजे नई दिल्ली से कटरा स्टेशन के लिए रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं कटरा से वापसी में वंदे भारत दोपहर 3 बजे कटरा स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और देर रात 11 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। हर स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का ठहराव होगा। दशकों भर से भारतीय रेलवे बदलाव को तरस रहा था। यात्रियों की परेशानी को अनसुना किया जा रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में रेल यात्रियों को सफर के दौरान होने वाली हर परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जोर शोर से काम किया जा रहा है। रेलवे में किए जा रहे इस प्रकार के बदलाव के जरिए सरकार का मकसद रेल यात्रियों के सफर को सुगम और खुशनुमा बनाना है, ताकि रेल यात्री अपने सफर के दौरान हर पल का लुत्फ उठा सके।